हो सकता है पापा को एम्बुलेंस के थ्रू इंदौर लाना पड़ेगा। वहाँ पे तो पापा के पैर अपने आप ऐसे ऊपर उठे, दोनों पैर घुटनों से पंजा तक अपने आप ऐसे लगे तो कोई इनको खींच रहा पकड़। पता नहीं क्या हुआ, उसने ठेकेदार ने फिर काम रोक दिया, तो उस ठेकेदार बुला रहा है जल्दी आओ, नहीं तो मैं दामाद जी से बोल के तुम सबको गायब करा दूंगी। बोल दो दामाद जी से बोलूंगा मैं सबको गायब करा दूंगा। समझे दामाद जी क्या जादूगर की जोशी है दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तीन देवियों का ब्लॉग है अभी तो नाम हमने ये सोचा है, आगे देखेंगे है ना। जैसा हमें एक सब्सक्राइबर सजेशन दिया था कि नाम आपके नए नए जो ऑडियंस आती होगी वो आपके नाम से कनेक्ट है ना, क्योंकि हमारे घर में है तीन देवियाँ। क्यों दीदी क्या हुआ? साथ में गंदी न्यूज़ है ये है कि हो सकता है पापा को एम्बुलेंस के थ्रू इंदौर लाना पड़े, क्योंकि हालत और ख़राब हो गई है। पहले जब हम आए थे तब उनको लग रहा था अच्छे हैं, पर कल रात को जो हुआ मैं रचना आया फिर आपको बताता हूँ कि जो हुआ वो सच में आउट ऑफ कंट्रोल। रात को 3 बजे तक वो हॉस्पिटल में रहे, मुझे लग रहा है कि अब मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं चले जाता लेने, देखते हैं, नहीं तो फिर एम्बुलेंस बोलेंगे लेके आए यहाँ तक है ना, मैं पापा उस समय। चलो हम रचना आया फिर आपको बताते हैं पूरा क्या क्या हुआ किस्सा। मसाज कर दी और एसी वाम लगा दी, लाल वाम लगा दी, सब जो भी तेल लगा दिया, स्प्रे सब वो लगा दिया। गर्दन ऐसी लगा के बिल्कुल बनी नहीं था और मेरे को घबराहट हो रही। अब नीरज का हो गया मोबाइल बंद, क्या हुआ पानी गिर रहा, वो कह रहा था मम्मी 10 बजे के मम्मी मेरा मोबाइल रिचार्ज होने वालो है, तो फोन कर कर पूछ रहा मम्मी अब ठीक है, मैंने हाँ थोड़े बहुत ठीक है। तो मैं शाम को लेके गई थी, उनको गैस का इंजेक्शन लगवा के आ गई थी 6 बजे, तो मैं आया लेके गए फिर कुछ इमरजेंसी। अच्छा, तो वहाँ पे तो पापा के पैर अपने आप ऐसे ऊपर उठे, दोनों पैर घुटनों से पंजा तक अपने आप ऐसे लगे तो कोई उनको खींच रहा पकड़, और गले गलों भी दुख है, सब दुख है, ऐसा लगता था। तो मेरे को ज्यादा खा लिया, तो मैं आज पापा को एम्बुलेंस के द्वारा इंदौर लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं खुद चला जाता हूँ, मगर लाना तो यहीं पड़ेगा, मैं जाऊँगा तब भी लाना पड़ेगा। क्योंकि बात ये हुई कि रात को 11:30-12 बजे पापा की तबीयत फिर बहुत अचानक से बिगड़ गई, वॉमिटिंग रुकी नहीं रही थी, जो दवाई दे रहे थे वॉमिटिंग रोकने की वो भी निकल रही, एंटी एसिडिटी दे रहे वो भी निकल रही, जो खा रहे छाछ दे रहे हैं कि पेट ठंडा हो जाए तो वो भी निकल रही, जो डॉक्टर को उन्होंने दिखा के लाए थे जिसको हमें भी गए थे दिखाने, उन्होंने 10 दिन की एंटीबायोटिक लिख दी थी, मगर डॉक्टर कहता है कि 10 दिन क्यों दे दी तुमने, उल्टी बातें करता है। और हो सकता है जिस डॉक्टर को हमने घर पे असाइन किया था घर आके लगाएगा, तो उसने क्या करा मम्मी पापा अब सीधे समझ के उसने क्या करा, डायरेक्ट बिना NS मतलब जो NS बॉटल होती है उसके बिना लगा के डायरेक्ट वेंस में लगा दी, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ गई। और पहले से ही ऑपरेशन के टाइम भी बहुत एंटीबायोटिक वगैरह गई थी ना, तो अब मुझे खुद समझ में आ रहा है। कल बात हुई थी तो मम्मी ने कहा पापा बिल्कुल ठीक है, अब तो हम गांव जाएंगे, आज कल में हम गाड़ी बुला लेंगे गांव चले जाएंगे, इतने पर ठीक हो गए थे और सडनली रात को भगना पड़ा। तो क्या हुआ? तो मुझे नहीं रहना, तो मम्मी से वही पूछा कि मानवी जी अभी बैठ जाए आ जाए क्या, आज ही क्या, तो मम्मी कही नहीं अब तो बिल्कुल बढ़िया है, चेहरे की रौनक भी आ गई। क्या हुआ कि रात को 11:30 बजे कोई वो तो मिल नहीं रहा था, मोबाइल के लिए लेते मत आ जाओ मम्मा पास, मोबाइल नहीं लेते बेटा, मोबाइल चाहिए।
अब बात कर रहे हैं उस समय होता है थोड़ा सा मूड तो ऑफ होता है हमारे यहाँ तो। रात को मैं पूरे इंसिडेंट बता देता हूँ, रात को 11:30 बजे कोई ऑटो नहीं मिला, तो मम्मी ने क्या करा, जो मौसी हैं उन्हीं के छोटे पुत्र राजू भैया को फ़ोन किया, तो राजू भैया ऑफिस से आए थे, मतलब उनकी दुकान न्यू मार्केट में वहाँ से आए थे, तो उनकी उनके पास फोर व्हीलर है, मगर देखो इतफाक है परेशान होना इसलिए उनके पास फोर व्हीलर जो है वो भी ख़राब है, वो ख़राब है, तो फिर ऑटो से वो आ तो गए उस समय, तब तो ऑटो मिल गया। फिर पीपल्स हॉस्पिटल जो सामने, तो वहाँ पर इमरजेंसी में लगे, वहाँ पर करीबन 2 घंटे लगे उनको, क्योंकि पापा के पैर अकड़ गए और मतलब कि इतनी ज्यादा हालत खराब थी, कुछ भी हाँ। गर्मी से हो गया, मतलब इतना हो जाता, मैं तो कुछ शौक हाँ। कोई बीमारी नहीं, और वो नशे खिंचा रही हैं पता नहीं जो है, और फिर 2 इंजेक्शन दिए 3 इंजेक्शन दिए, तीसरा इंजेक्शन आधा दिया तब वो जाके सही हुए, तो मम्मी जो आधा इंजेक्शन वो ले आई कि कल इन फ्यूचर कभी ऐसा हो तो मैं दूसरों को बता पाऊंगा कि ये है, मम्मी पर मैंने उनको फिर डांट। 4 बजे घर आए वो, 3 बजे डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, मगर ऑटो नहीं मिल रहा था, तो भैया ऑटो ढूंढने 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक गए, मगर कोई ऑटो नहीं हो रही है, मैं तो जैसे तैसे मिला कोई, ये मेरा ले ले बेटा, मेरा ले ले, 2 मिनट हमको बात कर लेना है, मेरा भी हाथ दर्द करने लगा इतनी देर में तो तो क्या हुआ कि अब मैंने बोला मम्मी को सुबह हल्का सा तेज आवाज में कि मम्मी तुम, यही तो समझा रहा था आपको, यही तो समझा रहा था, मम्मी कहते अब क्या करें, अब हमको पापा नहीं माने थे कि ऐसी हालत में जाऊंगा, वहां समदन भी होगी, फिर बच्चे भी रोज वो यूरिन थैली देखेंगे, मतलब मम्मी ये सब सोचोगे तो कैसे यार, अब कितना परेशान हो रहा हो, अगर यहाँ आते तो ये सब परेशानी होती तो हम झेल लेते, अगर वैसे तो होती नहीं, क्योंकि अगर हमको पता चल रहा है गैस बढ़ रही है तो हम उस प्रकार की दवाई देते, डॉक्टर को इमीडिएट दिखाते हैं, वही तो चीज़ है कि पढ़े लिखे मतलब माँ बहू बेटे हैं वो, तुम उसके बाद भी अगर बेवकूफ़ी कर रहे हो तो मम्मी कहती है अब यही तो पछताना था हमारा, फिर पापा खुद कह रहे थे रचना कि मनोज उद्दीन सही कह रहा था, चल देता तो अच्छा रहता, अब 1 हफ्ता हो गया उनको वहाँ रहते हैं, उनको क्या लग रहा था 2 दिन में मैं वापस गाँव चले, तो कल परसों मेरी मम्मी से बात, मम्मी ने कहा हम तो बुला लेंगे, हम तो जाने का सोचे, पापा हो गए थे सही, ऐसा नहीं कि हम इनको इस हालत में, अभी भी मेरी बात आखिरी मम्मी ने अभी कह रहे हैं आज मैं आज तो निकल जाएंगे, अब तो पापा बिल्कुल ठीक है, बात यही है ना कि उनको गाँव इसलिए जल्दी जाना है क्योंकि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा प्लेस, वहाँ पे खेती है, अब यही पिछले 10 साल से जब से शादी हुई है समझा के हम थक गए हैं कि चलो यहीं पे तुम्हें एक दुकान डलवा देते हैं, यहीं पे कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देना, जिसमें ऐसी दुकान डलवाएंगे जिसमें बिकी नहीं बिकी टाइम पास हो जाएगा, तुम्हें अगर टाइम पास की दिक्कत है तो वो जो खेती है उसको लीज पे दे दो, जिसमें क्या होता है वो साल के इकट्ठे पैसे आते हैं, उसको हर अलग लैंग्वेज में अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज कहते हैं, है ना, तो मगर नहीं मानना तो नहीं, यही तो गुस्सा आती है, नीरज की बात भी नहीं सुनते ना हमारी सुनते, नीरज यहाँ मुंबई में इतनी बारिश हो रही है तो रात को उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लाइट नहीं थी कि पता नहीं वो भी कहाँ फंसा, उससे बात नहीं हो पा रही अभी मेरी, अभी भी नहीं लग रहा, मेरी बात तो नहीं हो रही, मम्मी की तो बात हो गई है, तो ऐसा नहीं है, अभी फोन लगाया था तो कहीं बिजी जा रहा है जो भी है, तो ऐसे में दोनों ही परेशान हो रहे हैं ना, वो भी परेशान हो रहा है, और राजू भैया तो चलो अच्छा है कोई है वहाँ पे, हमारे भोपाल में तो है, मामा भी हैं, 2 मामा हैं 2 भैया हैं, मगर ये कि फिर हमको यहाँ पे देखो वैसे ही तो टेंशन की वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा है, ये पूरा दर्द कर रहा है, रात भर दुखता है मेरा, पता नहीं यार दूसरे डॉक्टर को दिखा के आऊँ क्या यार, अच्छा देखता हूँ यार मैं, और चलो दोस्तों तो ये था, और अभी हमको दूसरी दिक्कत ये है रचना, आज हमको प्लॉट पे चलना पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि वो काम रुका पड़ा है हमारा, क्योंकि हम भोपाल गए थे तो पता नहीं क्या हुआ, उसने ठेकेदार ने फिर काम रुक दिया, तो उस ठेकेदार बुला रहा है जल्दी आओ, तो आज मैं अभी ऑफिस से आता हूँ फिर जाते हैं, ये बच्चे थोड़ा सा मिला दुला दें, मैं जब तक ऑफिस से आता हूँ लंच में आऊंगा तो चले चलते हैं आपको, मम्मी मारने की इच्छा हुई या खुद को मारने की इच्छा हुई या अपने ही बच्चे से नफरत होने लगी एक माँ को, रचना क्या देख रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, यही सोच रहे ना, एक माँ तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, नहीं ये स्टेज भी आ सकती है, तो हम दोस्तों जिस फेस से मैं गुजरी हूँ मेरी यही कोशिश होती है कि लोगों की हेल्प हो, तो जो मेरा एक और चैनल है जो कि मोनेटाइज नहीं है जिसका नाम है सिंपली रचना 21, वहाँ पे मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें डालती हूँ जिससे लोगों की हेल्प हो जाए, तो यहाँ आज अभी मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे, क्योंकि रिसेंटली मैं एक साइकोट्रिस्ट से मिल के आई हूँ, मेरे लिए नहीं अवेयरनेस पर्पज़ के लिए, वो भी मैं आपको इन फ्यूचर बताऊँगी, तो उन्होंने जो मुझे बात बताई है वो मुझे लगा कि लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर वीडियो है, लिंक नीचे दी है सिंपली रचना पे, पोस्टमार्टम डिप्रेशन कैसे लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, मैंने कोप अप कर दिया बिकॉज ऑफ अ सपोर्टिंग पार्टनर डजंट मीन कि सब कर पाएंगे, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको एक
साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक तक जाना पड़े, आप घर बैठे कॉल करके भी कर सकते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन उस पे है, जाके जरूर देखिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, और जिसको जरूरत है उससे जरूर शेयर कीजिए, आपके इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की स्टोरीज पे शेयर कीजिए। क्या पता कोई डिप्रेस हो, कोई माँ डिप्रेस हो, या कोई भी डिप्रेशन में हो, उसके लिए भी वो यूजफुल हो सकता है, किसी की मदद हो जाए। और अभी रीच सॉरी, अरे उसको मुझे लेने दो। तो हमने सोचा प्लॉट में बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि हम लोग भी चले गए थे, कुछ काम पेंडिंग हो गए तो उस वजह से काम रुका हुआ है, क्योंकि हमें जाके ही उन्हें बताना पड़ेगा। तो हम बिजी थे पापा के उसमें, इसीलिए नहीं बता पाए, पहले भी नहीं जा पाए थे। तो हम जाके देखते हैं क्या है, क्या काम नहीं हो पा रहा है। मालवीय जी देखो काम क्यों रुका है वो भी पता चल जाएगा, देखते हैं। तो ये वाला इनका काम तो चल रहा है, हमारा काम रुका हुआ है। वो आज देखो रचना छत मत खुल गई है, छत खुल गई है। सिंक कहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो? सिंक से यहाँ के ले लो, सिंक से दूरी भी हो गई। तो ये एग्जैक्ट यहीं पे आएगा सिंक, थोड़ा खिसकेगा नहीं इधर उधर, बिल्कुल पाइप लंबा लगेगा, लग जाएगा पाइप लंबा रहेगा, पाइप तो एडजस्ट कर सकते हैं ना। यहाँ आरओ का पॉइंट हो गया, वहाँ पे उन सब का ना मिक्सर वगैरह का। हाँ तो कहाँ लेने, यहाँ ले लें। देखो ऑपरेशन, क्योंकि ये कॉर्नर तो काम आता नहीं, वो कनेक्ट तो वही रहा, इस जहाँ भैया कर रहे ना इधर थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना, एक चुम्बी का पिन आपको ऊपर चाहिए है ना, ठीक हो गया ये आपका। सब अभी काम देख रहे हैं, हमारे मैडम के सुपरविजन में देख रहे हैं, कहाँ कोई गलती तो नहीं हो गई है, कहीं कुछ वो तो नहीं हो गई है। क्या रचना, सब ठीक चल रहा है मैडम? अच्छा तो लगता है अपना घर बनते हुए, अपना घर बनते हुए देखना तो अच्छा लगता है यार। तुमने एक भी रील नहीं बनाई मगर पानी डालते हुए ना, चुनाई करते हुए एक बना दो मजदूरी में थोड़ा सा। हाँ यहाँ तो जैसे ये बीम आ गया है उसके ऊपर, मतलब हाँ क्योंकि प्लेन छत के ऊपर रखने से क्या है लोड पड़ता है, ये बीम है ना यहाँ पे, इसके ऊपर रख सकते हैं। हाँ ठीक है, यही रखेंगे। ठीक बन रहा है घर, हैं तुम्हारे आने की वजह से बन रहा है ये सब, नहीं तो हम तो फ्लैट में घुसते है ना। तो दीदी आई है, दीदी ने कहा नहीं जमीन का घर लो, मैं जमीन का घर ले लो। वो दीदी को छोटा लग रहा है, दीदी की मम्मी को छोटा लग रहा है, बल्कि अब नहीं लग रहा, अब ऊपर का बन गया सब। तो ये रचना ने ऊपर जिद करके बनवाया है और सब उधारी पे काम चल रहा है। तो ऐसा हाल है, छत डलने वाली ऊपर की, इसकी तैयारी हो रही है। नाइट हो गई है, ऑफिस से घर आ गए हैं, भीग गए थे क्योंकि पानी बहुत तेज हो रहा है और देखो सब कपड़े गीले पड़े हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब, हालांकि हमने वीडियो सोचा था आगे नहीं बढ़ाएंगे, मगर जैसा कि टाइटल हमने सोचा था रखेंगे कि पापा को एम्बुलेंस से भोपाल से इंदौर लाना पड़ा, क्योंकि हालत वैसी थी सुबह जब मम्मी से बात की, बट अभी मैंने बात की 6:30 बजे तो नॉर्मल है, अच्छी कंडीशन में है, बस वो थोड़ी सी एसिडिटी ज़्यादा बन रही है तो उनके लिए दवाई दी है, अभी तक तो वैसा कुछ नहीं है, फिंगर क्रॉस। दिन भर वैसे ठीक रहते हैं, रात को ही होता है उनके साथ जो भी होता है। घर की हालत आपने देख ही ली है, काम रुका पड़ा था तो अब हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। तो जय माता दी दोस्तों, जल्दी छत डले और एक और वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। अमावस्या आने वाली है, पितृपक्ष की अमावस्या आने वाली जो कि बहुत स्पेशल होगी, उस दिन हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे पितरों को कुछ हम कर पाए, एक जनरल रेमेडीज, ये जनरल उपाय हम देने की कोशिश करेंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में या एक अलग इस वीडियो भी बना सकते हैं, देखेंगे आपके ऊपर कमेंट के ऊपर है। तो जय माता दी, अपना ध्यान रखेगा और टेंशन मत ले यार, मैं तो ले लेके थक गया। तो आप ना लो, बोलो सब्सक्राइब करें, बोलो सब्सक्राइब, बोलोगे तो बोलना आएगा ना, सब्सक्राइब करें, करें अभी अभी, समझी समझे, बोलना समझे, नहीं तो मैं दामाद जी से बोल के तुम सबको गायब करा दूंगी, बोल लो। दामाद जी से बोलूंगा मैं सबको गायब करा दूंगा, समझे। दामाद जी क्या जादूगर है कि जोशी है? जादूगर, जादूगर वो जोशी भी है, जोशी भी है। तो नमाद अच्छा मिला क्या? मैं बोला अच्छा ही है ना, अच्छा ही है, मतलब ये तुम कह पा रहे हो अच्छे से। दोस्तों ये तो चलता रहेगा हमारा, मेरा और सासू माँ का ऐसा रिश्ता कि हमारे टांग खिंचाई चलती रहती। हाँ जी आगे देख लो, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना।